तो भाई आप ही में से किसी ने मुझसे पूछा कि अगर मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं तो गाड़ी को हम कैसे रोकें, यानी कि प्लेन रोड पर और ख़ास करके जहाँ पर ढाल वाली जगह होती है वहाँ पर अगर आपकी गाड़ी अपने ब्रेक ख़राब कर लेती है, ब्रेक फेल हो जाते हैं, तो गाड़ी को आप किस हिसाब से रोकेंगे। तो ये वीडियो आज की बहुत ख़ास है और अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से बहुत से लोग यही सोचते हैं कि अगर गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए तो गाड़ी रुकेगी नहीं, वो एक्सीडेंट हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, गाड़ी को रोका जा सकता है और उसके तरीके हैं। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं। देखिए होता क्या है कि कई बार बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपना आपा खो देते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इस वजह से गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो जाती है। और जो पुराने ड्राइवर होते हैं वो गाड़ी चलाने में इतने माहिर हो जाते हैं कि उन्हें, क्योंकि वो कई बार जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमारे साथ में ऐसे सीन होते हैं कि कई बार हमारे दिल को जो है धक्का लगता है एकदम से, पता नहीं अब क्या हो जाता है। तो इस तरीके से के ठोकरे जो है वो हमारा दिल जो कलेजा झेलता रहता है, तो वो दिल जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसकी वजह से कभी भी जब पुराना ड्राइवर होगा तो अगर उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल होंगे तो वो अपना आपा नहीं खोएगा। लेकिन जो नए लोग होते हैं उनके साथ में ये सीन कई बार हो जाता है कि उन्होंने अपनी पुरानी गाड़ी पकड़ ली और वो कहीं लेकर के जा रहे हैं, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गया, गाड़ी जो है तो अगर आपको आधे किलोमीटर की या आधे किलोमीटर से कम की जगह या 100 मीटर 200 मीटर की जगह, केवल 100 मीटर की जगह भी आपको मिल गई या 50 मीटर की जगह भी आपको मिल गई, तो उतने एरिया में आपकी गाड़ी अगर 50-60 की स्पीड में चल रही है तो आप अपनी गाड़ी को केवल गियर के द्वारा रोक सकते हैं, चाहे ब्रेक लगे या ना लगे। तो कैसे रोकेंगे, इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए आप कहीं ढाल वाली जगह से उतर रहे हैं तो गाड़ी आपको मालूम है कि आप अगर न्यूट्रल करेंगे तब भी भागती चली जाएगी और ब्रेक से ही गाड़ी रुकेगी। लेकिन उसका तरीका क्या है कि अगर आपकी गाड़ी चौथे गियर में चल रही है या पाँचवें गियर में चल रही है तो आप एक एक गियर कर फटाफट उतारिए, क्लच दबाइए, फिर पहला एक गियर उतारा, फिर क्लच दबाया, फिर एक गियर उतारा। इस तरीके से जब आप क्लच छोड़ते रहेंगे बार बार तो आपकी गाड़ी क्या धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी और उसके बाद में आप पहले गियर में आ जाएगी। पहले गियर में गाड़ी की मुश्किल से 10 की स्पीड हो जाती है, 10 से भी कम हो जाएगी। एक्सेलेटर मत दबाइए बिल्कुल भी। और ये मैं आपको आगे चल के कभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से गाड़ी जो है एकदम से झटके लेकर के कंट्रोल होती है। उसके बाद में आप गाड़ी का जो स्विच है, बहुत से लोगों की गाड़ी जो स्विच काटने पर बंद हो जाती है, बहुत से लोगों की गाड़ी में क्या होता है कि एक तार लगा होता है जिससे खींचने से बंद हो जाती है। अलग अलग तरीक़ों से लोगों ने जुगाड़े बना रखी गाड़ी बंद करने की। तो अगर आपको अपनी गाड़ी पहले गियर में, मान लीजिए आपकी गाड़ी जब ढाल पे उतरते समय पहले गियर में आ गई, उसके बाद में आप अपनी गाड़ी को बंद कर दीजिए, स्विच खींचे रहिए, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी और झटके लेते 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 गाड़ी को रुक जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को रोक सकते हैं और ये बहुत आसान ट्रिक है। गाड़ी में कभी भी आप बैठिए और स्टिक को आप देखिए, मैंने बताया ये सही है या गलत है, क्योंकि मैं खुद एक ड्राइवर हूँ और इस तरीके के एक्सपेरिमेंट मैं खुद करता रहता हूँ। लेकिन चक्कर क्या है कि मैं जो हूँ कार चलाता हूँ, मैं ट्रक नहीं चलाता हूँ, क्योंकि ट्रक में मेरा इंटरेस्ट जो है शुरू से कम रहा, इस वजह से मैं कार चलाता हूँ। मुझे कार की जो है नौकरी ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं यहाँ पे, ये लोग वो लोग जो कहते हैं कि मुझे ट्रक चलाना बस अच्छा लगता है, मैं ट्रक की ड्राइवर सीखना चाहता हूँ, तो वो लोग भी, आप लोग अगर कभी भी ट्रक पर बैठते तो ये इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा आप लोगों को बता देता हूँ। और एक चीज़ और समझ लिया कि यार आप लोग जो मेरे सब्सक्राइबर जो होते हैं वो परिवार की तरह होते हैं। एक भाई ने कहा है कि मैं भी आपका परमानेंट कस्टमर हूँ, तो कस्टमर चीज़ अलग हो जाती है। कस्टमर का मतलब हुआ कि कोई चीज़ आप मुझसे ख़रीद रहे हो या मैं आपसे ख़रीद रहा हूँ या आप मुझसे बेच रहे हो या मैं आपसे बेच रहा हूँ, उसको बोलते हैं कस्टमर। आप मेरे कस्टमर नहीं हो बल्कि आप मेरे एक परिवार का हिस्सा हो जो कि सब्सक्राइबर हो, कि परमानेंट आप मेरी वीडियो देखते हो और हम और आप जो है कोई डील नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम और आप जो है आप हमें सपोर्ट कर रहे हो। आप हमारी वीडियो को देखते हो, उसको उससे देखने से हमें जो है सपोर्ट मिलती है। और बस आप मदद करना अलग चीज़ होती है और कोई चीज़ ख़रीदना बेचना उसको बोलते हैं। जो आपने लिखा है कमेंट में कि मैं आपका परमानेंट कस्टमर हूँ, तो आप मेरे कस्टमर नहीं हो बल्कि छोटे भाई हो या बड़े भाई हो, क्योंकि मैं आपकी उम्र तो जानता नहीं आप कितने बड़े हो। तो यार वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।